बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये कढ़ाई वाले गले वाली कमीज है, इससे मैं फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी शॉर्ट। ये मैंने इसके नीचे से उतारा है बॉर्डर, ये भी मैं इसके ऊपर अटैच करूंगी। बैक और फ्रंट साइड डबल करके मैंने रख लिया इस तरह से, ऊपर से यहां से छोड़ के निशान लगाऊंगी मैं, यहां तक कटाई करूंगी। टोटल लेंथ मैंने 38 इंच रखनी है। यहां से मैंने लिया 4 इंच, तेरह इंच तक निशान लगाऊंगी मैं बराबर 4 इंच का। यहां से मैंने 4 इंच रखा है। आठ इंच रखूंगी मैं यहां से, और ऊपर से यहां तक तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी इस तरह से। यहां से जो निशान मैंने लगाए हैं यहां से कटाई कर लूंगी पहले। अब इस पीस को मैं इस तरह से पलट लूंगी इस तरह से, पहले ऊपर से मैं ये वाला कपड़ा उतार लूंगी। आधा इंच इस कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान मैं लगाऊंगी 8 इंच पे। कंधे की लिपाई भी 8 इंच रखूंगी। चेस्ट का निशान 10 इंच पे। कमर 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। अब यहां तक तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी। कंधे की गुलाई डालूंगी। एक इंच मैंने यहां से छोड़ा और इसकी गुलाई डाल ली है। फ्रंट साइड की ज्यादा गुलाई करूंगी, आधा इंच ज्यादा गुलाई करूंगी यहां तक। कटाई मैंने कर ली है। फ्रंट साइड ये 1.5 इंच ज्यादा कटाई करूंगी। इस तरह से 6 आएगी इसकी।
अब मैं इस पे लेस लगा लूंगी इस तरह से, रख के सिलाई लगाऊंगी बैक साइड पे, इस तरह से बैक साइड पे सिलाई लगा के सीधी साइड को मोड़ लूंगी। बैक साइड पे इस तरह से लगा के मैंने सीधी साइड को मोड़ के इस पे सिलाई लगा ली है। साथ ये जो कलियां मैंने बनाई थी वो अटैच कर लूंगी इस तरह से, रख के इन पे सिलाई लगा लूंगी। साइड्स पे मैंने कपड़ा अटैच कर दिया। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूंगी इस तरह से रख के। यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले मैं इसकी साइड्स की कटाई कर लूंगी हल्की हल्की। यहाँ से मैं 2 इंच रखूंगी और आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करते हुए इसकी कटाई कर लूंगी। दरमियान वाला हिस्सा मैंने 1.5 इंच ऊंचा रखा है। फ्रंट साइड का वी गला बनाना है सिंपल ही। बैक साइड के गले की कटाई करके दिखा देती हूँ आपको। 3 इंच की चौड़ाई रखनी है, गहराई 2.5 इंच। अब इस पे गुलाई कर लेनी है। मैं फ्रॉक मुकम्मल स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। इसकी टोटल जो चौड़ाई थी 35 इंच थी। इसमें कलियाँ डालने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 42 इंच हो गई है। घेरे की चौड़ाई अब 42 इंच है। पहले घेरे की चौड़ाई जो है 35 इंच थी। कलियों को इस तरह से बदल के डालने से 42 इंच हो गई है। इससे इसमें खूबसूरती भी आ गई है। इस तरह से कपड़े जो कपड़ों का घेर हम कम समझते हैं उसे इस तरह से बदल के सिलाई करने से घेर ज़्यादा हो जाता है। सिंपल और बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।